तो जानते हैं आप लोग के रेगुलर बाइसल लेवल का व्यू देता हूँ, तो उसी को अभी आप लोग को स्क्रीनिंग करके रखा है। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा और कमोडिटी का लेवल दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, और बहुत कुछ दिखाना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप लोग को ये इसको समझने में सुविधा हो जाएगा और आसान तरीके से आप लोग इसको यूटिलाइज करके स्टॉक मार्केट से है। तो 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 90% के ऊपर इसका एक्यूरेसी रहेगा। तो इसीलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बात स्क्रीनिंग करके कैसे स्क्रीनिंग करना है, क्या क्या रहता है, ये सब आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और निफ्टी और बैंक मैंने वीडियो को मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और बाइसल लेवल रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो लोग जो आप लोग 90% एक्यूरेसी के साथ स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। और भी बहुत कुछ सेफ स्ट्रैटेजीज है, लाइक पेयर स्ट्रैटेजी, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, वो मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको देके मैंने कॉल्स देता हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकता है, उसका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये जो फाइल है मेरा, मैंने इसका एंड ऑफ द डे मैंने दो फाइल बनाता हूँ, बाइसल लेवल कम स्किनर और बाइसल लेवल 3। तो ये आप लोग को एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग को मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग फ्री ट्रायल भी देख सकते हैं उधर। और आप लोग एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में ये पूरा फाइल मैंने उधर शेयर करता हूँ, और उसका परफॉर्मेंस भी आप लोग देख सकता है मेरा वीडियो पे आके, कैसे सेफ एंट्री ले सकता है, कैसे उसमें प्रॉफिट हो सकता है, और ये एंड ऑफ द डे फाइल लेके कैसे नेक्स्ट डे अच्छी तरीके से। मैंने तो रिकमेंड करता हूँ कि एंड ऑफ द डे जो लेवल आप लोग को मिलता है ये फाइल से, उसी के ऊपर कीजिए तो वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, सबसे अच्छा प्रॉफिट देता है। और तो ये आप लोग यूज़ करके स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसीलिए आप लोग ये वीडियो अंत जरूर देखिए, और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे तो ये फाइल आप लोग को एंड ऑफ द डे, इसमें 150 स्टॉक्स है, एफएनओ स्टॉक्स है, कमोडिटी है, फ्यूचर्स है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल रहता है, तो इसमें स्किनर भी है, तो आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे फ्री ट्रायल के लिए, तो आप लोग को ये फाइल मिल जाएगा और उसका ऑब्जर्व कर सकता है कुछ दिन के लिए। उसके बाद फिर सर्विस में भी ज्वाइन हो सकता है। आप लोग आस्था ट्रेड में मेरा लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो उसका डिस्काउंट आप लोग को 50% मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। और कैसे इसका परफॉर्मेंस रहेगा, कैसा कंपेयर ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर जो वीडियो है वो भी आप लोग को उधर से मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने ये बाइसल लेवल कम स्किनर और बाइसल लेवल 3 दो फाइल बनाता हूँ, तो दो फाइल बना के रखा हूँ। ये इसमें जो बाइसल लेवल स्किनर बाइसल लेवल कम स्किनर में बाइसल लेवल 1 रहता है, बाइसल लेवल तीनों लेवल रहता है, बाइसल लेवल 1, बाइसल लेवल 2 और बाइसल लेवल 3। आप लोग कोई भी एक में आप लोग काम कीजिए, आप लोग को अच्छी तरीके से प्रॉफिट दे सकता है। और इसमें आप लोग कुछ बाइसल लेवल ऑल बाइसल लेवल्स ये फर्स्ट शीट में ऑल बाइसल लेवल्स कम स्किनर 1 रहता है, इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज रहता है वो देख के आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है। वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और कुछ ईएमए का क्रॉस ओवर, ये आप लोग देख सकता है। ईएमए का क्रॉस ओवर, प्रोबेबिलिटी आप लोग देख के इसको अच्छी तरह से स्क्रीन कर ले सकता है। सॉरी, बोलिंजर ब्रांड, इसी में कुक क्लाउड प्राइस चैनल, आप लोग पहले वाला वीडियो देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा इसमें क्या क्या रहता है। तो अभी आप लोग को बोलना पड़ता है, क्योंकि जो लोग नया ज्वाइन करता है तो इसलिए आप लोग बोलना पड़ता है। तो इसमें हो गया एक, और बाइसल लेवल 3 जो कि मेरा सबसे
मोस्ट रिकमेंडेड लेवल है वाइसल लेवल 3, उसमें मैंने अलग से फाइल बना हो। तो इसमें देखिए, इसमें जो वाइसल लेवल 3 है और इसमें जो वाइसल लेवल 3 है और इसमें जो वाइसल लेवल 3 है वो अलग है। तो मतलब ये सीट में जो वाइसल लेवल 3 है और ये सीट में जो वाइसल लेवल 3 और इसमें जो वाइसल लेवल 3 है ये सेम है, लेकिन वाइसल लेवल कम स्किनर का फाइल में ये इसमें जो वाइसल लेवल है वो अलग है। और इसका वाइसल लेवल 3 को मैंने अप टेंड और डाउन टेंड दोनों साइड में मैंने वाइसल लेवल रखा है, क्योंकि जब कोई स्टॉक अप टेंड में है और भी एक्सटेंड करके ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पे एंट्री लेना सही है, और अप टेंड में जब डाउन आएगा रिटेस्ट करके वो सेल होके कौन सा लेवल सही है वो आप लोग को दिख जाएगा। और डाउन टेंड में जो है उसमें वो रिटेस्ट होके बाई जाएगा तो कौन सा लेवल पे सही है, और सेल लेवल जब वो डाउन ट्रेंड जब नीचे आएगा तो सेल होके वो एक्सटेंड होके कौन सा लेवल पे पकड़ना सही है वो आप लोग को दिख जाएगा, और ट्रेंड कौन सा लेवल पे है, लेवल कौन सा लेवल पे है वो भी आप लोग को दिख जाएगा। एल टी पी पोजिशन इन रिलेशन टू बाई सेल लेवल, बाई बाई लेवल अप ट्रेंड, सेल लेवल अप ट्रेंड, और बाई लेवल डाउन टेंट, सेल लेवल डाउन टेंट, ये आप लोग को दिख जाएगा। इधर 530 का क्रॉस ओवर मैंने रखा हूँ ताकि आप लोग इधर से ट्रेंड भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। आप लोग को ट्रेंड चाहिए और लेवल चाहिए, और फर्स्टली ट्रेंड अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, उसके बाद कौन सा लेवल पे पकड़ना है उसको, अप ट्रेंड ऊपर जाएगा तो उसे कौन सा लेवल पकड़ना है, और अप ट्रेंड स्टेस होकर नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पकड़ना है, ये आप लोग को चाहिए। तो ये इधर से आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से एक्यूरेटली आप लोग डिटरमिन कर सकते हैं। और वाइसल लेवल 3 में जो फाइल बनाता हूँ उसमें भी सेम चीज़ है, वाइसल लेवल 3, लेकिन इधर कुछ स्क्रीनिंग का कुछ दूसरा तरीका है। इधर 534 ई में क्रॉस ओवर मैंने लगाता हूँ, और इधर कुछ प्रीवियस क्लोज के ऊपर प्रीवियस क्लोज के साथ कंपेयर करके उसको भी इसका ट्रेंड के पता चल जाएगा। मैंने एक स्क्रीनिंग करके आप लोग को दिखा देता हूँ इधर कैसे स्क्रीनिंग का जा सकता है, आप लोग जरा ध्यान से देखिए। तो सोच लीजिए, मैंने इधर से मैंने फिल्टर लगाया, तो इधर देखिए मैंने अप ट्रेंड देखने का कोशिश करता हूँ। तो इधर एंड एंड से आप लोग स्क्रीनिंग करके करके आइए तो देख सकता है। इधर देखिए, इधर स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद ये इसको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। ये स्क्रीनिंग मैंने पहले वो भी देखा चुका हूँ, तो अभी आप लोग को फिर से दिखाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो ये देखिए, इधर से स्क्रीनिंग हुआ, उसके बाद 534 ई एम ए का क्रॉस ओवर को हम लोग स्क्रीनिंग कर लेंगे। 534 ई एम ए को हम लोग स्क्रीनिंग कर लेंगे, तो ये जो लेवल है एकदम पक्का लेवल होगा। तो इसमें जो इधर देखिए, उसके बाद कौन सा अप ट्रेंड में है, ये कौन सा लेवल पे है वो भी अब हम लोग देख इधर से देख ले सकता है। तो उसके बाद जो लेवल पड़ा होगा, तो इधर ओनली अप ट्रेंड का ये दोनों का देखिए, आईसीआई बैंक टाटा स्टील, इसको ओनली अप ट्रेंड का बाय या सेल लेवल देखना है और कुछ लेवल देखना ही नहीं है। तो इधर से देखिए, जब आप लोग स्क्रीनिंग कर लेते हैं 534 अप ट्रेंड, ये भी चार स्टॉक भी आप लोग देख सकते हैं जो 534 और वो लास्ट से 530 लास्ट से जब स्क्रीनिंग करके आया है, और उसके बाद जब 534 ये चार आप ले सकता है, ये स्क्रीनिंग जब कम हो जाता है तो ये इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकता है। तो इसका मतलब ये पूरा अप ट्रेंड नहीं है, इसका आप लोग क्लोजिंग प्राइस भी देख के इसको पता कर सकता है। सोच लीजिए, इधर 454.71 है और ये इसका बाय अबव लेवल देखिए, बाय का अबव लेवल 471 पे ऊपर है और नीचे इसका 455 के नीचे इसका सेल है। तो इधर तो देखिए, अब इधर देखिए, इधर डाउन ट्रेंड में क्या लेवल दिखा रहा है, सॉरी इसको भी कर लेते हैं, इसको भी करने से आप लोग को और भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो देखिए 513 ये ICICI बैंक का क्लोजिंग प्राइस है, तो ये 507 के ऊपर बाई है, 507 के नीचे सेलिंग दिया है। तो देखिए 513 में जब क्लोज हुआ है तो 511 के ऊपर तो बाई नहीं हो सकता, और तो इसीलिए आप लोग को क्लोजिंग प्राइस के साथ बाई सेल लेवल को जब देखेंगे, चार्टो बाई सेल लेवल आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा लेवल पे सही रहेगा जब